वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस स्पिनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस लेक्चर के माध्यम से हम एडवांस स्पिनिंग से संबंधित जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम इस लेक्चर के माध्यम से। एडवांस स्पिनिंग क्या है, यानी हमारी जो कन्वेंशनल स्पिनिंग सिस्टम है, रिंग स्पिनिंग सिस्टम है, और इस रिंग स्पिनिंग सिस्टम के अलावा हम और भी डिफरेंट मेथड से हम यार्न मैन्युफैक्चरिंग, यार्न को जो है बना सकते हैं, यार्न मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से सिस्टम है जिसको हम रिंग फ्रेम के अलावा, यानी कन्वेंशनल सिस्टम हमारा रिंग फ्रेम है, इसके अलावा हम अदर सिस्टम से भी हम यार्न को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम उस स्पिनिंग सिस्टम को हम एडवांस स्पिनिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा रोटर स्पिनिंग है जो ओपन एंड स्पिनिंग में हमारी कई स्पिनिंग सिस्टम आती है। रोटर स्पिनिंग है हमारी जो है, फ्रिक्शन स्पिनिंग है, ये हमारे रोटर स्पिनिंग ओपन एंड स्पिनिंग सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा में हमारा रेपको है और बॉबटेक्स है, और भी हमारे जो है कई स्पिनिंग सिस्टम है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखिए, एक लेक्चर में जो है सारे पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उसके जो है एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका एक टेस्ट हो जाए और एक उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है तो आपको कितनी नॉलेज है उस नॉलेज को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोसेस कंट्रोल एंड एडवांस स्पिनिंग सिस्टम, हम यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल के हम ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रखेंगे, एक दो क्वेश्चन रखेंगे। यहाँ पे ज्यादा जो हमारे क्वेश्चन होंगे एडवांस स्पिनिंग सिस्टम के होंगे, और बाद में जब हमारा जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रोसेस कंट्रोल के जो है हम रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। एडवांस स्पिनिंग के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है रोटर स्पिनिंग से संबंधित है। बैक डबलिंग प्रोसेस अकर्ड इन डैश स्पिनिंग। किस स्पिनिंग में बैक डबलिंग का प्रोसेस जो है अकर्ड होता है। डबलिंग हमारा क्या होता है, डबलिंग से हमारी जो है जो यार्न जो प्रोड्यूस होता है उसकी इवनेस लेवल हमारी जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे जो डबलिंग का प्रोसेस है, बैक डबलिंग प्रोसेस, यानी फाइबर टू फाइबर हमारी लेयर जो फॉर्म होती है वो किसमें होती है, रिंग स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, एयर जेट स्पिनिंग। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर है रोटर स्पिनिंग। रोटर स्पिनिंग में ओपनिंग रोलर के बाद हमारा जो ट्यूब के माध्यम से जब हमारा फाइबर रोटर में पहुंचता है तो वहां जो है फाइबर के ऊपर फाइबर हमारे जो है लेयर बनती जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैक डबलिंग प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, दी डैश हैज टू पार्ट स्ट्रक्चर कोर एंड सीथ, यानी दी डैश हैज टू पार्ट स्ट्रक्चर कोर एंड सीथ, वर्टेक्स स्पिनयान, रिंग स्पिनयान, फ्रिक्शन स्पिन यार्न एंड रोटर स्पिन यार्न। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्टेक्स स्पिनिंग को, यहाँ यूट्यूब पे हमारे जो है और भी एडवांस स्पिनिंग से संबंधित कई सारे लेक्चर हैं, तो आप उन लेक्चरों को पहले आप सुन लें, समझ लें, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा रोटर स्पिनिंग का, वर्टेक्स स्पिनिंग का, एयर जेट स्पिनिंग का, फ्रिक्शन स्पिनिंग के कई लेक्चर हैं। तो आप वहां से इन लेक्चरों को सुन करके कंसेप्ट को आप जो है रोटर स्पिनिंग और फ्रिक्शन वर्टेक्स के कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, दी डैश हैज टू पार्ट स्ट्रक्चर कोर एंड सीथ, जो यार्न है, यार्न में कोर और सीथ का स्ट्रक्चर किस जो है मेथड से फॉर्म होता है, वर्टेक्स स्पिन यार्न में हमारे जो है कोर एंड सीथ फाइबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग स्पिनिंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन ओपन एंड स्पिनिंग प्रिंसिपल। ओपन एंड स्पिनिंग प्रिंसिपल को आप समझने के लिए ओपन एंड स्पिनिंग का आप लेक्चर सुन लें, वहां पे मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि ओपन एंड स्पिनिंग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा सिस्टम ओपन एंड स्पिनिंग का जो है एग्जांपल नहीं है, विच आर फॉलोइंग स्पिनिंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द ओपन एंड स्पिनिंग प्रिंसिपल। पहला है रोटर स्पिनिंग, एयर वर्टेक्स स्पिनिंग, डिस्क स्पिनिंग एंड एयर जेट स्पिनिंग। तो यहाँ पे जो ऊपर की तीन स्पिनिंग है ये ओपन एंड स्पिनिंग के कंसेप्ट पे हमारी काम करती है, और जो हमारी एयर जेट स्पिनिंग है ये हमारी अलग है, और इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन है एयर जेट स्पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The spinning method based on open-end spinning principle result in high production rate as compared to ring spinning because in these method, यानी अगर हम rotor spinning method से जो है open-end spinning method से अगर हम जो है yarn produce करते हैं तो ring के comparison में ज्यादा या हमारा production आता है, ऐसा क्यों? The drafting and twisting are isolated. Drafting and twisting are isolated. Next option है increase the hairiness of yarn. Next हमारा option है twisting and winding are isolated. And next option है twisting and opening are isolated. तो यहाँ पे हमारा जो correct option है twisting and winding are isolated. तो open end spinning में जो हमारी जो twisting है और winding उसी मशीन पे जो है perform होती है. तो इस तरीके से हमारा जो production का rate जो है compare then ring spinning के कंपेयर में ओपन एंड सिस्टम में जो भी स्पिनिंग वर्क कर रहे हैं उसका ज्यादा आता है. यूजली नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजली इन निटिंग द टैस यार्न आर यूज्ड, यानी निटिंग में हम जो है किस तरीके का यार्न यूज करते हैं. पहला ऑप्शन है लो ट्विस्टेड, हाई ट्विस्टेड, मीडियम, नन ऑफ दिस. तो निटिंग में जो निटेड यार्न होते हैं जनरली लो ट्विस्टेड यार्न होते हैं जिससे हमारा जो निटेड फैब्रिक बनता है प्रोड्यूस होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट फैब्रिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्रिक्शन स्पिनिंग रोटेटिंग ऑफ द इम्पार्ट ट्विस्ट टू फाइबर असेंबली एज, जो हम ट्विस्ट जो इंसर्ट करते हैं फाइबर असेंबली में हम जो ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं फ्रिक्शन स्पिनिंग के केस में हम किस तरीके से करते हैं, ड्रम, रोटर, स्पिंडल एंड जेट. तो फ्रिक्शन स्पिनिंग में हमारे ड्रम होते हैं और ओपनिंग के बाद फाइबर हमारे ड्रम पे जो है ड्रम पे आते हैं और ड्रम जो है उनको सरफेस कांटेक्ट से जो है ट्विस्ट इंसर्ट करती है और हमारे यार्न फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे जो है जो ट्विस्ट इंसर्ट की जाती है वो ड्रम के माध्यम से की जाती है फ्रिक्शन स्पिनिंग के केस में. रोटर स्पिनिंग इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड फाइन काउंट, जो है रोटर स्पिनिंग जो है रोटर स्पिनिंग इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड फाइन काउंट. जनरली हम मीडियम काउंट प्रोड्यूस करते हैं रोटर स्पिनिंग से. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. द टर्म बैक डबलिंग इन रोटर स्पिनिंग रिफर टू नंबर ऑफ डबलिंग अप्लाइड टू द फाइबर स्टैंड बिफोर द रोटर स्पिनिंग मशीन, यानी यहाँ पे जो है क्वेश्चन को आप समझिए, कह रहे कि इन द टर्म ऑफ बैक डबलिंग. बैक डबलिंग एक अलग प्रोसेस है लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से बैक डबलिंग आपको हमने अभी बताया कि फाइबर टू फाइबर जो है फाइबर के ऊपर फाइबर की लेयर बनती है उसको हम बैक डबलिंग कहते हैं. लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द बैक डबलिंग इन रोटर स्पिनिंग रिफर टू द नंबर ऑफ डबलिंग, यानी नंबर ऑफ स्लाइवर की यहाँ बात हो रही है, नंबर ऑफ डबलिंग अप्लाइड टू द फाइबर स्टैंड. फाइबर स्टैंड मतलब स्लाइवर बिफोर द रोटर स्पिनिंग, जो कि ऐसा नहीं होता है. ये जो इस तरीके की डबलिंग ड्रा फ्रेम में होती है. स्लाइवर की डबलिंग हमारी कहाँ पे होती है, ड्रा फ्रेम में. यानी ये स्टेटमेंट जो है बिफोर द रोटर स्पिनिंग मशीन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राफ्ट इन रोटर स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग में ड्राफ्ट का लेवल हमारा कितना होता है. तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 25 to 400, 400 to 600, 40 to 100 and 100. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 25 to 400 ड्राफ्ट की रेंज होती है रोटर स्पिनिंग में. व्हाट इज यार्न डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट रेंज इन रोटर स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग में जो यार्न हमारा जो है ट्विस्ट होकर के जो यार्न हमारा डिलीवर होता है वाइंडिंग के लिए, तो उसकी स्पीड क्या होती है. उसकी स्पीड जो है अप टू 350 मीटर पर मिनट, ये मीटर पर मिनट में है. नेक्स्ट अप टू 3500 मीटर पर मिनट, अप टू 35 एंड अप टू 35,000 मीटर पर मिनट. तो हाँ यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अप टू 350 मीटर पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्पीड ऑफ ओपनिंग रोलर रेंज इन रोटर स्पिनिंग, जो हमारी रोटर स्पिनिंग है उस रोटर स्पिनिंग का जो ओपनिंग रोलर है जो स्लाइवर हमारा फीड होता है, स्लाइवर फीड को जैसे स्लाइवर हमारा आगे बढ़ता है ओपनिंग रोलर फाइबर को जो है कैच कर लेता और फाइबर टू फाइबर ओपनिंग कर देता है. तो उस रोलर की ओपनिंग रोलर की हमारी स्पीड कितनी होती है ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है 6000 to 10000, 600 to 1000, 60 to 100 rpm एंड 6 to 100 rpm.
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 6000 टू 10000 आरपीएम हमारा जो है ओपनिंग रोलर की जो है स्पीड होती है 6000 टू 10000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टर्न ऑफ रोटर प्रोड्यूस डैश टर्न ऑफ ट्विस्ट, हर एक टर्न के बाद जो रोटर जो है वो यान में क्या प्रोड्यूस करता है, यानी जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होती है उसका लेवल क्या होता है। एवरी टर्न ऑफ रोटर प्रोड्यूस डैश टर्न ऑफ ट्विस्ट, यानी जो ट्विस्ट जो इंसर्ट होती है एक रोटर की एक रोटेशन में कितना ट्विस्ट इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है हमारा 1, 2, 1/2, 3, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 1, यानी रोटर की एक रोटेशन में एक ट्विस्ट हमारी, 1 ट्विस्ट हमारी इंसर्ट होती है। इन केस ऑफ एयर वर्टेक्स स्पिनिंग, एयर वर्टेक्स स्पिनिंग के केस में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ एयर वर्टेक्स स्पिनिंग ऑल फाइबर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यार्न एंड रन आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑल फाइबर स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द यार्न एंड रन इनसाइड। नेक्स्ट ऑप्शन है कोर फाइबर आर पैरेलल एंड शीथ फाइबर आर रैप्ड ओवर द कोर फाइबर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कोर फाइबर हैव ट्विस्ट डायरेक्शन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द शीथ फाइबर। तो इस वर्टेक्स स्पिनिंग के केस में ये हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से हमारा जो स्टेटमेंट ऑप्शन ए का करेक्ट है कि इन द केस ऑफ वर्टेक्स स्पिनिंग ऑल फाइबर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यार्न एंड रन आउटसाइड। तो यहाँ पे आप वर्टेक्स स्पिनिंग का हमारा यूट्यूब पे लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि हमारी वर्टेक्स स्पिनिंग कैसे वर्क करती है। तो इस केस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। एडवांस इसमें जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंपैरिजन विद रिंग स्पन यार्न एयर जेट स्पन यार्न एच, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किस यार्न की, रिंग स्पन यार्न और एयर जेट स्पन यार्न की। यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं वीकर स्टीफर एंड हार्डर, यानी कंपैरिजन विथ रिंग स्पन यार्न, रिंग स्पन के कंपैरिजन में एयर जेट स्पन यार्न की कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, वीकर स्टीफर एंड हार्डर। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर सॉफ्टर एंड स्मूथर। नेक्स्ट वीकर बल्कियर एंड हार्सर। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर हेरियर एंड इवनर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वीकर स्टीफर एंड हार्डर, यानी एक तरीके से देखा जाए तो सारे नेचर जो है पुअर क्वालिटी को दर्शाते हैं, यानी कि वीकर है कमजोर भी है, स्टीफर कड़ा भी है और हार्डर भी। तो ये हमारा स्पन यान एयर जेट स्पन यान रिंग स्पन के केस के कंपैरिजन में ये क्वालिटी होगी वीकर स्टीफर एंड हार्डर। यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है एडवांस जो है प्रोसेस कंट्रोल से, एक दो क्वेश्चन हमने रखा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग का क्या उद्देश्य है, हम जो है मिक्सिंग जैसे कॉटन मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग के बाद हम जो है ब्लोरूम में, ब्लोरूम के बाद कार्डिंग, कार्डिंग के बाद ड्राफ्ट फ्रेम और सिंप्लेक्स देन यार्न प्रोडक्शन। तो हम फाइबर की मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पज है हमारा मिक्सिंग का, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिक्सिंग। ऑप्शन हमारे हैं टू गेट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, पहला ऑप्शन है टू गेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी पैरामीटर एंड टू गेट कंसिस्टेंसी इन यार्न क्वालिटी, एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी ऊपर के हमारे जो तीनों ऑप्शन है मिक्सिंग के पर्पज को, मिक्सिंग के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हैं। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यार्न रियलाइजेशन, यार्न रियलाइजेशन क्या होता है, ये हमारा जो है प्रोसेस कंट्रोल का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है यार्न रियलाइजेशन का पार्ट है। यानी आप जो इनपुट करते हैं मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल आपने 100 kg इनपुट किया और उसके अगेंस्ट में अगर आपने 80 kg जो है यार्न प्रोड्यूस किया तो 20 kg आपका क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज आपका कितना आ गया, 80%, यानी आप फिनिश प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में आप फिनिश प्रोडक्ट कितना जो है ऑब्टेंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारा यार्न रियलाइजेशन है। और यार्न रियलाइजेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा जो है एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज यार्न रियलाइजेशन, यार्न रियलाइजेशन क्या है, टू रिड्यूस प्रोसेस
वेस्ट एंड गेट मैक्सिमम आउटपुट, यानी आप प्रोसेस में जो हमारा वेस्टेज हो रहा है उस वेस्टेज को कंट्रोल करके और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव वेस्ट, टू इम्प्रूव यार्न क्वालिटी एंड टू इम्प्रूव इवनेस ऑफ यार्न। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू रिड्यूस प्रोसेस वेस्ट एंड गेट मैक्सिमम आउटपुट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यार्न रियलाइजेशन का ये मेन पर्पज ऑब्जेक्ट होता है। द स्पिनिंग सिस्टम दैट डज नॉट जनरेट फॉल्स ट्विस्ट ड्यूरिंग स्पिनिंग इज, यानी फॉल्स ट्विस्ट यानी स्पिनिंग के दौरान फाइबर से यार्न फॉर्मेशन के दौरान फॉल्स ट्विस्ट जो है किसी स्पिनिंग सिस्टम में जो है डेवलप नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है रिंग स्पिनिंग, ड्रेव थ्री, रोटर, एयरजेट स्पिनिंग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है रिंग स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग में करेक्ट जो है हमारा फॉल्स ट्विस्ट जो है क्रिएट नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे रियल ट्विस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंपेयर टू द स्पिनिंग ऑफ फाइनर कॉटन यार्न, कंपेयर टू द स्पिनिंग ऑफ फाइनर कॉटन यार्न द प्रीफर्ड रोटर डायमीटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी कोर्स कॉटन यार्न वुड बी, यानी कोर्स कॉटन यार्न के रिस्पेक्ट में यानी हम कंपेयर में अगर फाइनर यार्न को प्रोड्यूस करें, फाइनर फाइबर से अगर हम यार्न प्रोड्यूस करें, उस केस में रोटर के डायमीटर क्या होने चाहिए, बी हायर, बी लोअर, रिमेन द सेम एंड चेंज द डिपेंडिंग ऑन द फाइबर स्ट्रेंथ। कह रहे कि अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें कंपेयर टू द स्पिनिंग ऑफ फाइनर कॉटन यार्न, अगर फाइनर कॉटन यार्न के कंपेयर में हम कोर्स कॉटन यार्न अगर हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कोर्स हम यार्न प्रोड्यूस करना चाहे, यानी ऑब्वियस है कोर्स यार्न हमारा कोर्स फाइबर से प्रोड्यूस होगा, और कॉटन फाइबर के केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है कि अगर कॉटन फाइबर की लंबाई ज्यादा है तो फाइबर की फाइननेस जो है फाइबर फाइननेस अच्छी होगी, ठीक है, यानी अगर फाइबर फाइननेस अच्छी है इसका मतलब कि कॉटन की लेंथ अच्छी होगी। तो फाइल यहाँ पे फाइन काउंट हमारा जो है फाइन फाइबर से जो बनेगा, यानी फाइननेस हमारी जो है फाइन फाइबर से बनेगा, तो उस केस में क्या होगा फाइबर की लेंथ भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किससे, कोर्स फाइबर से, अगर कोर्स फाइबर यानी मोटा फाइबर थिक फाइबर है तो उसकी लेंथ भी कम होगी, उस केस में रोटर की डायमीटर कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, यानी रोटर का डायमीटर फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे जब हमारे फाइबर की लेंथ कम होगी तो रोटर का डायमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बी हायर बी लोअर रिमेन द सेम एंड चेंज डिपेंडिंग ऑन द फाइबर स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी लोअर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एज द फाइबर लैंड ऑन द रोटर द फाइबर आर इन ग्रुप अप, यानी ओपनिंग रोलर के बाद, यानी हमारे रोटर स्पिनिंग में फीडिंग हम करते हैं, ओपनिंग रोलर फाइबर टू फाइबर ओपनिंग कर देता है, उसके बाद हमारी जो है कॉनिकल ट्यूब से मटेरियल हमारा फाइबर इंटर करता है रोटर में, तो वहां पे जो है क्या होता है एज द फाइबर लैंड ऑन द रोटर, यानी जब लैंडिंग करते हैं यानी फाइबर हमारे जब रोटर में पहुंचते हैं द फाइबर आर इन द ग्रुप अप, तो फाइबर किस ग्रुप में पहुंचते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे 1 to 5 फाइबर, 10 to 50 फाइबर, 100 to 500 फाइबर एंड 1000 फाइबर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 to 5 फाइबर, यानी नियर अबाउट 5 फाइबर तक हमारे जो ट्यूब से फाइबर पास होते हैं एक साथ बेडिंग करते हैं रोटर में, इंटर करते हैं रोटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन टू फाइबर एज इट मूव इनटू द कलेक्टिंग ग्रुप्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन टू द फाइबर एज इट मूव इनटू द कलेक्टिंग ग्रुप्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, द रोटर डायमीटर, नेक्स्ट ओपनिंग रोलर डायमीटर, द साइड वॉल एंगल ऑफ द रोटर, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम फिट ट्यूब एग्जिट टू द कलेक्टिंग ग्रुप ऑफ रोटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ओपनिंग रोलर डायमीटर, ओपनिंग रोलर डायमीटर पे हमारा जो है ये डिपेंड नहीं करता है क्या, द अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन टू द फाइबर इज इट मूव इनटू कलेक्टिंग ग्रुप डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी ओपनिंग रोलर के डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्विस्ट इंसर्शन रेट इज वेरी हाई इन इस इन डैश स्पिनिंग। किस स्पिनिंग सिस्टम में ट्विस्ट इंसर्शन रेट काफी ज्यादा होता है? ट्विस्ट जो हम धागे में जो ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं वो किस स्पिनिंग में सबसे जो है रेट जो है ट्विस्ट इंसर्ट करने का रेट सबसे ज्यादा होता है? तो हमारा ऑप्शन है रिंग स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग एंड एयर जेट स्पिनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन स्पिनिंग, क्योंकि यहाँ पे रोटर जो है ड्रम है, ड्रम के सरफेस कॉन्टेक्ट से जो है यार्न में जो है ट्विस्ट इंसर्ट होती है और ड्रम के रिस्पेक्ट में हमारा जो यार्न का डायमीटर है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पे सबसे हाई ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है, हाई रेट ऑफ जो ट्विस्ट इंसर्ट करने का रेट है वो फ्रिक्शन स्पिनिंग के केस में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन स्पन यार्न स्ट्रेंथ इज डैश कंपैरेटिवली अदर स्पिनिंग सिस्टम, यानी जो हमारा फ्रिक्शन स्पिनिंग से जो यार्न प्रोड्यूस हो रहा है वो अदर स्पिनिंग सिस्टम के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ का लेवल क्या होता है? तो ऑब्वियस है जब हमारा ट्विस्ट का लेवल ज्यादा होता है तो उस केस में जो है हमारा स्ट्रेंथ का लेवल भी जनरली बढ़ जाता है, हाई होता है। तो यहाँ पे है लो, बी ऑप्शन है हाई एंड सी वेरी हाई एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वेरी हाई, यानी फ्रिक्शन स्पिन यार्न स्ट्रेंथ इज वेरी हाई कंपैरेटिवली अदर स्पिनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द ग्रुप टाइप इज सुटेबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कोर्स यार्न इन रोटर स्पिनिंग, यानी जो रोटर स्पिनिंग हमारी जो रोटर होता है, रोटर में साइड में हमारे ग्रुप्स कटे होते हैं, जो रोटर का पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अंदर का जो एरिया होता है वो ग्रुप कटा होता है जिसमें फाइबर हमारे बेडिंग होती है, फाइबर हमारे जा करके, तो उसपे जो है यार्न का स्ट्रक्चर, यार्न का कम्पैक्टनेस, यार्न फुलनेस हमारा डिपेंड करता है। तो विच ऑफ द ग्रुप्स टाइप इज सुटेबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कोर्स यार्न इन द रोटर स्पिनिंग, यस ग्रुप्स, यस एंड जी ग्रुप्स, यू ग्रुप्स, यू एंड जी ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंड कोर्स यू ग्रुप से हमारे जो है प्रोड्यूस होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न हैव द बेस्ट फाइबर ओरिएंटेशन एंड पैरलाइजेशन। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न हैव द बेस्ट फाइबर ओरिएंटेशन एंड पैरलाइजेशन, यार्न के केस में पूछा जा रहा कि यार्न में किस यार्न में किस सिस्टम से हमारा जो यार्न जो प्रोड्यूस होता है वो उसका ओरिएंटेशन यानी फाइबर टू फाइबर अरेंजमेंट पैरलाइजेशन जो है सबसे बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है रोटर स्पन यार्न, फ्रिक्शन स्पन यार्न, रिंग स्पन यार्न एंड वर्टेक्स स्पन यार्न। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न हैव द बेस्ट फाइबर ओरिएंटेशन एंड पैरलाइजेशन, रिंग स्पन यार्न। रिंग स्पन यार्न का जो है ओरिएंटेशन सबसे बेहतर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न हैव द बेस्ट मास इवनेस, यहाँ पे यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको कि किस सिस्टम से हम किस सिस्टम का बना हुआ यार्न सबसे ज्यादा इवन होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न हैव द बेस्ट मास इवनेस, रिंग स्पन यार्न, फ्रिक्शन स्पन यार्न, रोटर स्पन यार्न एंड वर्टेक्स स्पन यार्न। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वर्टेक्स स्पन यार्न, वर्टेक्स स्पन यार्न हमारा सबसे ज्यादा इवन यार्न होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन मुराटा जेट स्पिनिंग, एयर जेट स्पिनिंग, इन मुराटा जेट एयर जेट स्पिनिंग ऑप्शन है हमारा वन एयर जेट, टू एयर जेट, थ्री एयर जेट, फोर एयर जेट। तो मुराटा जेट स्पिनिंग में हमारे टू एयर जेट वर्क करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा टू एयर जेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज प्रोसेस फाइबर फाइननेस है प्राइम रोल इन इन्फ्लुएंसिंग यार्न कैरेक्टरिस्टिक, रिंग स्पिनिंग, एयर जेट स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग एंड फ्रिक्शन स्पिनिंग। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, इन विच ऑफ दीज प्रोसेस फाइबर फाइननेस है प्राइम रोल इन इन्फ्लुएंसिंग यार्न कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है रोटर स्पिनिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच स्पिनिंग इज
ओपन एंड स्पिनिंग, कौन सी स्पिनिंग ओपन स्पिनिंग है, विच स्पिनिंग इज ओपन एंड स्पिनिंग, रिंग स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, रेपको स्पिनिंग एंड बॉबटेक्स स्पिनिंग। आपने ये सारी स्पिनिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है सिस्टम आप पढ़ सकते हैं कि ये रिंग स्पिनिंग को और सारी एडवांस स्पिनिंग को हमने जो है मैक्सिमम को हमने यूट्यूब पे दिया है, तो आप उनको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्पिनिंग ओपन एंड स्पिनिंग है, तो ओपन एंड स्पिनिंग का कंसेप्ट जानने के लिए आप जो है रोटर स्पिनिंग को आपको का लेक्चर देखेंगे, उसमें हमने शुरू में ही बताया कि किसको हम ओपन एंड स्पिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग जो है ओपन एंड स्पिनिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच स्पिनिंग मैकेनिकल ड्राफ्ट एंड एयर ड्राफ्ट आर अप्लाइड, यानी किस स्पिनिंग सिस्टम में मैकेनिकल ड्राफ्ट और एयर ड्राफ्ट दोनों ही अप्लाई होता है, तो रोटर स्पिनिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो है रोटर स्पिनिंग में जो है एयर के माध्यम से एयर ड्राफ्ट भी होता है, फाइबर हमारे एयर के से भी खींचते हैं और जो है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग भी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ऑप्शन है रिंग स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग एंड एयर जेट स्पिनिंग, तो करेक्ट ऑप्शन है रोटर स्पिनिंग। यहाँ पे हम टेक्सराइजिंग को जान से कुछ हमारे संबंधित क्वेश्चन है, टेक्सराइजिंग से हमने टेक्सराइजिंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए ये हमने फिगर ले लिया कि तो हम यहाँ पे देखें टेक्सराइजिंग होती क्या है। टेक्सराइजिंग आर टेक्सराइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच सिंथेटिक फाइबर आर मॉडिफाइड टू चेंज देयर टेक्सचर, यानी हमारे जो सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस होता है एक बिल्कुल रॉड की तरह स्टेपल रॉड की तरह फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट में जब तक हम क्रिम्प नहीं जनरेट करते हैं तब तक वो उस फाइबर को हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टेक्सराइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्रिम्प जनरेट करते हैं फाइबर में। मेन पर्पज क्या है टेक्सराइजिंग प्रोसेस का, मेन पर्पज क्या है, क्रिम्प जनरेट करना फिलामेंट में, फाइबर में, टो में क्रिम्प को जनरेट करना, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर टेक्सटाइल मटेरियल के लिए जो है प्रिपेयर हो जाए। तो टेक्सराइजिंग आर टेक्सराइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच सिंथेटिक फाइबर आर मॉडिफाइड टू चेंज देयर टेक्सचर, यानी उसका लुक चेंज हो जाता है टेक्सराइजिंग के बाद जो है उसका लुक जो है अपीयरेंस चेंज हो जाता है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फाइबर, यानी टेक्सचर एंड फिजिकल अपीयरेंस हमारा टेक्सराइजिंग में चेंज हो जाता है। टेक्सराइजिंग टेक्निक कैन इंक्लूड बल्किंग वेयर द मोप्लास्ट फाइबर आर ट्विस्टेड हीट सेट एंड अनट्विस्टेड, क्रिम्पिंग एंड क्वाइलिंग, यानी हम टेक्सराइजिंग प्रोसेस को जो है बल्कनेस को कैसे जनरेट करते हैं ये क्रिम्पिंग के माध्यम से, अदर मेथड से, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है टेक्सराइजिंग पे कि फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन टेक्सचर्ड यार्न एज कंपेयर टू दोज मेड फ्रॉम अनटेक्सचर्ड पेरेंट्स यार्न वुड बी, यानी हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप समझिए कि एक फैब्रिक है पॉलीप्रोपिलीन का फैब्रिक है जो टेक्सचर्ड यार्न से बना है, और एक वही फैब्रिक है पॉलीप्रोपिलीन का जो अनटेक्सचर्ड यार्न से बना है, तो दोनों में कंपेयर हम कर रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे है फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन टेक्सचर्ड यार्न एज कंपेयर टू दोज मेड फ्रॉम अनटेक्सचर्ड यार्न, तो जो टेक्सचर्ड यार्न बनेगा तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है अपीयर वार्मर, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हैव हायर मॉडुलस, नेक्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेट हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो टेक्सराइजिंग का मेन पर्पज है बल्कनेस को इम्प्रूव करना, और बल्कनेस जब हमारी जो है इम्प्रूव हो जाती है तो एब्जॉर्बेंसी यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ती है, और वार्मर अपीयरेंस और जो है फील भी हमें फैब्रिक का जो है गर्म मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एसर्शन ए, यानी एक स्टेटमेंट ए है एंड रीजन आर, आर जो हमारा जो रीजन है, दिस प्रोसेस जनरेट बल्क, जो पहला हमारा ए है स्टिफर बॉक्स टेक्सचर यार्न आर कैटेगरी आर बल्क यार्न, इस स्टेटमेंट को देखें स्टिफर बॉक्स टेक्सचर्ड यार्न आर कैटेगरी ऑफ बल्क यार्न, क्या ऐसा ही है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दिस प्रोसेस जनरेट, यानी कौन सा प्रोसेस
हमारा जो है स्टीफर स्टीफर के केस स्टीफर बॉक्स के केस में दिस प्रोसेस जनरेट बल्क बाय क्रिएटिंग क्रिम्प्ड स्ट्रक्चर, यानी ये बल्क कैसे जनरेट करता है, हम क्रिम फॉर्म करते हैं और उसको हीट सेटिंग से फिक्स कर देते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। तो हमारा जो है ऑप्शन डी सही है, यानी स्टीफर बॉक्स टेक्सचर यान आर कैटेगरी ऑफ बल्क यान ए रॉन्ग है, और जो करेक्ट है दिस प्रोसेस जनरेट बल्क बल्क बाई क्रिएटिंग क्रिम्प्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्रिम्पिंग प्रोड्यूस, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि दो दो हमारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आपको जो एग्जाम में बीटी के एग्जाम में आएगा वहां पे ऑप्शन एक ही का ऑप्शन होगा, जनरली जो एक ही का सही होगा, एक ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज क्रिम्पिंग प्रोड्यूस हेलिकल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन हेलिकल क्रिम्प, बल्क यार्न एंड स्ट्रेच यार्न। तो ईच क्रिम्पिंग से जो हमारा क्रिम्प जो जो टेक्सराइजिंग जो फॉर्म होता है फिलामेंट, जो टेक्सराइज फिलामेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेच यार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी टर्न ऑफ द रोटर प्रोड्यूस टर्न ऑन ट्विस्ट वन, ये हमारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, इसको जो है आप ध्यान से जो है देखें कि रोटर की एक टर्न में एक ही ट्विस्ट हमारी इंसर्ट। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एडवांस स्पिनिंग से संबंधित आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।